फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं केसरिया मलाईदार रबड़ी। बहुत ही आसान क्विक रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हो जाता है ये डेजर्ट और सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। सो लेट्स बिगिन। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 400 ml के करीब दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क लीजिए, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स वैसे ट्रेडिशनली तो रबड़ी में नहीं डालते हैं, पर हम अपने चॉइस के अजॉटेड नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। केसर के कुछ स्ट्रैंड्स मैंने दूध में भिगा के रखे हुए हैं और दूध मैंने गैस में चढ़ा दिया है। दूध हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है। इस पर जो मलाई है वो हमें साइड में इस तरह से करते जाएंगे हम। इस तरह से बढ़िया मलाईदार रबड़ी बनेगी हमारी। फ्लेम हम लो ही रखेंगे और दूध को नीचे से चलाते रहेंगे। देखिए कितना थिक हो गया है हमारा मिल्क, मलाई किस तरह से सब तरफ आ गई है। कम गैस में चलाएंगे। अब दूध काफी रिड्यूस हो गया है, इसमें मैं एक चम्मच मिल्क पाउडर मिला रही हूँ, जो मैंने एक चम्मच दूध में मिलाया है। काफी रिड्यूस हो गया है हमारा दूध, एकदम थिक रबड़ी बनी शुरू हो गई है मलाईदार। इसमें अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली चीनी डालेंगे। मैं एक चम्मच चीनी डाल रही हूँ, इलायची पाउडर डालूंगी, एक चम्मच दूध में केसर भिगाया हुआ है वो डाल दूंगी, कुछ नट्स हम डालेंगे, देखिए बढ़िया केसर या रबड़ी हमारी बनके तैयार है। अब फ्लेम मैं ऑफ कर दे रही हूँ। तो तैयार है हमारी केसरिया मलाईदार रबड़ी। बहुत ही टेम्प्टिंग, माउथ वाटरिंग बनी है। बहुत ही आराम से हम डेजर्ट के रूप में इसे खा सकते हैं। चीनी आप जितनी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुक विद द बेस्ट।